मैनपुरी का महामुकाबला। जी हाँ, किस की जीत होगी इस महामुकाबले में और इस महामुकाबले का असली विजेता कौन होगा, आज इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी उपचुनाव का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो कैंडिडेट रघुराज शाक्य हमने खड़ा किया है ये मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं और मुलायम सिंह यादव से बहुत कुछ सीखने के बाद वो डिंपल यादव को धूल चटा देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी होशियारी के साथ काम कर रही है, उन्हें पता है डिंपल यादव के नाम पर वोट उतने नहीं मिलेंगे, समाजवादी पार्टी के नाम पर उतने वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन वोट नेताजी के नाम पर बहुत खूब मिलेंगे और नेताजी इस सीट से हमेशा जीतते रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ रही है, इसलिए और समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अपने दर्शकों को बता दे, रघुराज शाक्य जो खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताते हैं, क्या रघुराज शाक्य इस सीट से नामांकन वापस ले सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर शिष्य जीतते हैं तो गुरु की हार होगी और गुरु को हारता देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। रघुराज शाक्य को बहुत सोच समझ कर बीजेपी ने उतारा तो जरूर है, लेकिन रघुराज शाक्य ने जिस तरह से कहा कि वो अपने गुरु के साथ हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, तो क्या वाकई गुरु के सम्मान में, और जिस तरह से बीजेपी खुद कह रही है कि हम नेताजी का सम्मान करते हैं, खुद बीजेपी कह रही है कि हम जो है नेताजी को हमेशा से उनका आदर करते रहें, तो क्या इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर रघुराज शाक्य जैसे बड़े नेता आने वाले वक्त में